हेलो फ्रेंड, और आप देख रहे हैं बांग्ला गुरु यूट्यूब चैनल। और आज हम आपको बताएंगे कि लेनोवो का जो 8000 मॉडल का जो सेट है उसको आप पैटर्न को अनलॉक कैसे करेंगे। ठीक है, मान लीजिए पैटर्न लॉक हो, चाहे फिर पासवर्ड हो, चाहे पिन लॉक हो, कोई भी लॉक हो, आप उसको कैसे हटाएंगे। ठीक है, तो जो मैं फंड आपको बताऊँगा वो कोई नया नहीं है, आपको बहुत सारा लोगों को पता होगा। तो अगर आपको पता है कि ये कैसे रिमूव करता है रिकवरी मोड में जाके, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ठीक है, और जिन लोगों को नहीं पता आप लोग देखते रहिएगा, आपका फ़ोन का जो पासवर्ड है लास्ट तक, इस वीडियो को लास्ट तक के देखिए, तो आपका जो पैटर्न है वो आप रिमूव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिकली जो हम जो आदर्श जो मोबाइल होता है उसको हम रिकवरी मोड में जाने के लिए, इसको तोड़ने के लिए रिकवरी मोड में जाना पड़ेगा, और जो दूसरा फ़ोन होता है उसको रिकवरी मोड में जाने के लिए हम क्या करता है, वॉल्यूम प्लस और पावर इस दोनों स्विच को एक साथ प्रेस करते हैं। ठीक है, ऑफ करने के बाद उसके बाद ऑटोमेटिकली रिकवरी मोड में चला जाता है। लेकिन इसका फंडा थोड़ा अलग है, इसको करना क्या पड़ेगा, आप बैटरी को रिमूव कीजिए। रिमूव करने के बाद वॉल्यूम ए प्लस है, ठीक है, देखिए ये वॉल्यूम प्लस, ये माइनस, उसके बाद होता है पावर। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा, वॉल्यूम प्लस माइनस और जो पावर स्विच है उसको एक साथ मतलब पहले पावर को प्रेस कीजिए, उसके बाद ऊपर का जो दोनों स्विच है वॉल्यूम प्लस और माइनस, उन दोनों को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे। ठीक है, आप पहले पावर को प्रेस कीजिए, उसके बाद इन तीनों को एक साथ जोर से प्रेस कीजिए। लोगो आ गया, तो आप पावर स्विच से हाथ अपना प्रेस करना नहीं पड़ेगा आपको, उसको छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिकली ये रिकवरी मोड में चला जाएगा। उसके बाद आ जाइए विफ डेटा फैक्टर रीसेट। ठीक है, उसके बाद पावर को प्रेस कीजिए। अब नीचे आ जाइए, यस पर डिलीट ऑल यूजर डेटा, ओके कीजिए। तो फ्रेंड ये कुछ नया नहीं है, लेकिन इसका रिकवरी मोड में जाने के लिए तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो को देखिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। हो गया, अब आप कीजिए कि अब रिबूट सिस्टम कीजिए। ठीक है, रिबूट सिस्टम पे ही है, देखिए अब हम पावर बटन को प्रेस करेंगे। तो फ्रेंड इतना ही फंडा है इसको पैटर्न को रिमूव करने के लिए। अगर इससे भी अगर आपको पैटर्न रिमूव नहीं हुआ, अगर आपको पासवर्ड नहीं रिमूव हुआ, तो आप सिंपली फ़ोन को फुल फ्लैश कीजिए। इसको फाइल पहले नोट की डाउनलोड कीजिएगा, उसके बाद और डाउनलोड, और एक बात मैं बता देता हूँ आपको, जो डाउनलोड कीजिएगा फाइल उसका अंदर जो टूल रहेगा उससे ये उसका जो फाइल होता है वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करता है। तो आप लेनोवो के लिए अलग से एक लिखेंगे, आप नेट पे सर्च कीजिएगा लेनोवो के लिए फ्लैशिंग टूल, तो आपको मिल जाएगा नेट पे, तो आप उससे डाउनलोड करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके को फॉलो करने के बाद अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप उस स्टेप को फॉलो कीजिए। बेसिकली हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, हो जाता है। तो देखिए अब मोबाइल ऑन हो गया, मतलब बूट ले लिया है, अब कुछ इंस्टॉल कर रहा है सिस्टम को। तो फ्रेंड इसको ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको कुछ करना नहीं है, आप ऐसे रहने देना है। तो इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप आएगा तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं वीडियो को थोड़ा पुश कर रहा हूँ। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो ये है, और वो इंस्टॉल होने में मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा टाइम लगता है, तो डरने की कोई बात नहीं है, आप थोड़ा वेट कीजिएगा, उसके बाद ये वाला स्क्रीन आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही फंडा है, इसको पैटर्न हो, चाहे पासवर्ड हो, चाहे पिन लॉक हो, रिमूव करने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसके बारे में अगर आपको कुछ बताना है या फिर आपको कुछ जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद। सो गाइस, थैंक यू।